क्या नाम हुआ आपका? अंजिता देवी। क्यों यहाँ भर्ती है? किडनी नहीं है दोनों। कौन निकाल लिया? डॉक्टर निकाल लिया। कितना दिन पहले? साल भर पहले। कैसे निकाल लिया था? उसके यहाँ क्यों गए थे आप? ऑपरेशन कराने गए। क्या चीज़ का? दानी के साइड में मांस भर गया। और 10 महीना से जो यहाँ भर्ती है, कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं ना है? यहाँ दिक्कत नहीं है, दवाई भी सही चलता है। खाना उना? खाना उना में अच्छा नहीं लगता है तो हम नहीं लेते हैं। अभी आपका इतना गरीबी चल रहा है, सबसे ज़्यादा सहयोग कौन कर रहा है? आपके मम्मी पापा या कोई गांव के लोग या कोई और अन्य लोग? मम्मी पापा कर रहा है, परवीन भाई कर रहे हैं। कौन हुए परवीन भाई? सामाजिक सेवक। क्या किए हैं वो? राशन पानी देते हैं, पैसा कौड़ी देते हैं। 10 महीना से कि इधर आके देने लगे? ना, पूरे 10 महीना से। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस मुर्दाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमांशी न्यूज़। मैं आपके साथ मिथुन कुमार शर्मा। अभी मैं पहुंच चुका हूं मुजफ्फरपुर जिला के SKMCH हॉस्पिटल में, जहां पे 10 महीना से लगातार सुनीता, जिसका किडनी निकाल लिया गया था, वो यहां पे भर्ती है। आज उनके खाना पीना के लिए एक समाज सेवी जो लगातार 10 महीना से लगे हुए हैं, उनका खाना पीना का व्यवस्था लेकर हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। आखिर क्यों पहुंचे हैं, हॉस्पिटल में क्या खाना नहीं मिलती है, उस सब पर बात करेंगे। आप हमारे वीडियो में बने रहिए। आप अभी आए हैं खाना लेकर, किससे मिले हैं पहले? जी, अभी जो है मुजफ्फरपुर SKMCH के प्रांगण में हम खड़े हैं। अभी जो है किडनी कांड की पीड़िता सुनीता बहन के इंसाफ के लिए 148 दिन से अभी भी सकरा रिफा अस्पताल के प्रांगण में धरना जारी है। और इसी क्रम में जो है सुनीता बहन का मेरे पास फ़ोन जाता है कि भैया जो है खाना की व्यवस्था सही नहीं है, सब्जी देता है तो पानी की तरह देता है, दाल देता है तो पानी की तरह देता है, किसी तरह कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसे तो मर ही जाएंगे। ठीक है, जो आप थोड़ा खाना और कुछ पैसे से आर्थिक मदद कीजिए। तो हम कंटिन्यू 10 महीने से मदद करते आ रहे हैं। इसी क्रम में जो अभी जो है 1-2 महीने का राशन और जो है कुछ पैसे अभी हमने आर्थिक मदद किया है। जी, 145 दिन धरना पर बैठने के बावजूद भी यहाँ के गुंगा पहरा अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। जी, ये तो बहुत ही दुखद है कि आप देख सकते हैं कि 10 महीना से ऊपर होने जा रहा है सुनीता किडनी कांड का, और 148 दिन हो गया धरना का, जो कि धरना अभी भी जारी है, धरना चल रहा है, लेकिन अभी तक इसका जो मुख्य जो आरोपी जो डॉक्टर है किडनी कांड का, आरके सिंह, उसकी अभी तक जो है पुलिस प्रशासन गिरफ्तार नहीं की है, जिससे साफ जाहिर होता है कि डॉक्टर आरके सिंह और पुलिस प्रशासन की पूरी मिलीभगत है। और सबसे ज़्यादा जो इसमें मिला हुआ है, सकरा थाना अध्यक्ष मिला हुआ है, सकरा थाना प्रभारी मिला हुआ है, सकरा थाना पूरा स्टाफ मिला हुआ है डॉक्टर आर के सिंह से, जो कि यही रीज़न है कि जो कि अभी तक उसका अरेस्टिंग नहीं हुआ है। अगर अरेस्टिंग नहीं हुआ तो अभी तक उसका कुर्की क्यों नहीं हुआ? 1 साल हो गया दोनों किडनी गायब की हुआ, एजाज हत्याकांड सकरा बाजी राउत का निवासी, 2 महीना हो गया एजाज हत्याकांड का, अभी तक एक भी आरोपित को प्रशासन ने गिरफ्तार नहीं किया है। कैलाश महतो हाइड्रोसिल कांड हुआ, अभी तक उसकी डॉक्टर फरार है। क्या कर रहा है प्रशासन? एक तो कोई आगे आना नहीं चाहते हैं, अगर ये आगे आके अगर बोलना चाहते हैं तो इनको सपोर्ट के लिए भी कई सारे लोग आगे नहीं आते हैं। तो पुलिस प्रशासन जी, थोड़ा आप ध्यान दीजिए इस वीडियो को। लगातार 3 से 4 कांड हमारे सकरा प्रखंड में हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी व्यक्ति का गिरफ्तारी नहीं हुआ, इसका जवाब कौन देगा? तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग को हम इतना सुंदर बना दिए हैं कि पिछले मतलब कई सालों से जितना अच्छा नहीं था उतना अच्छा अब हो गया है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए भैया, तो बहुत ही शर्मनाक बात आपने पूछ दिया है स्वास्थ्य मंत्री जी के लिए। आज जो है दलित के वो लोग राजनीति करते हैं, अपने आप को कहते हैं कि हम गरीब दलितों का रहनुमा है। आज गरीब दलित की बेटी ना यहाँ 10 महीना से मर रही है, आज गरीब दलित की बेटी ना बेटा बेटी ना रोड पे यहाँ भटक रहा है, जो खाने खाने तक के मोहताज है, हा? और आज जो है उनका अपना फैमिली बच्चा दिखता है, अपना फैमिली बच्चा को लेकर लंदन अमेरिका घूम रहे हैं, आज एक विदेश घूमने, और आज जो है एक दलित का बेटी अब बच्चा परिवार जो रोड पर भूखे मर रहा है, कहाँ कर रहा है? ये लोग सब वोट बैंक की राजनीति करते हैं, सब राजनीति करते हैं। दलित के मसीहा कहने वाले नेतागण, कृपया इस बच्चा पर ध्यान दीजिए। वो आपकी मम्मी कहाँ है अभी? आईसीयू में। कौन हॉस्पिटल में भर्ती है? कितना दिन पहले कांड हुआ था? 10 महीना पहले। क्या हुआ था बाबू? डॉक्टर किडनी चुरा कर निकाल लिया। डॉक्टर किडनी चुरा कर ले गया? हाँ। बताइए, बच्चा का दर्द सुनिए सरकार महोदय, हमारी मम्मी को किडनी चुरा लिया गया है, चोर का अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुआ है, इसका दोषी कौन है? बिल्कुल यहाँ के पुलिस प्रशासन और जंगल राज के मॉनिटरी करने वाले सरकार है। जो भी वीडियो अभी तक आप देखे हैं उससे कई गुना ज़्यादा इस वीडियो पर आप नज़र दीजिए। इनके पिताजी आए हुए हैं, पिताजी से पूछते हैं क्या आप दलित परिवार से आते हैं, कोई नेता आपको दलित जानकर रुपया बरसाएँ कि नहीं बरसाएँ? ना, कोई हमको नहीं आया है। देखने आया कि नहीं आया? कोई नहीं आया देखने।
कैसे अभी अपना भरण पोषण करते हैं और ये हॉस्पिटल का जो भी खर्च है खाना पीना कहाँ से उठाते हैं? हम करते हैं सामाजिक सेवक परमीन कुमार। सारा 10 महीना से यही कर रहे हैं? सारा चीज वही कर रहे हैं 10 महीना से। धरना भी सकरा में दिए हुए हैं और यहाँ भी देख रहे हैं। कोई दलित नेता आपको सपोर्ट के लिए नहीं आया? कोई नहीं आया है। अब बताइए अकेला परमीन कुमार कहाँ कहाँ जाएंगे सरकार महोदय जी, थोड़ा ध्यान दीजिए। सकरा प्रखंड के सुनीता किडनी कांड सबको याद है, दोनों किडनी निकाल लिया गया। 10 महीना से दलित के मसीहा कहने वाले नेतागण 10 महीना से इनके पूछने तक नहीं आए कि आखिर आपको न्याय मिला कि नहीं मिला। और एक मात्र परवीन कुमार जो समाज सेवी है लगातार 10 महीना से इनको मदद करते आ रहे हैं। फायदा के लिए नेता आप मरते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन एक समाज सेवी सिर्फ और सिर्फ न्याय के लिए मरते हैं। और लगातार 10 महीना से जब टिक गए हैं तो जान लीजिए कि न्याय दिलवा कर ही ऐसे ऐसे लोग बैक आते हैं। आपके कहने से, आपको धमकाने से कोई भी व्यक्ति बैक नहीं आएगा, काहे कि सच्चाई का साथ देने वाला हमेशा आगे रहता है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके अच्छा सजेशन दे दीजिएगा। और बिहार में जो कानूनी व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य विभाग का क्या स्थिति है कमेंट करके जवाब दे दीजिएगा। जब तक के लिए कि शब्द बोलेंगे, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।